टूट गया था क्या? फिर धोगे? बारिश हुआ था, बारिश देखो परवल, बारिश होने के बाद ना फूल पत्तों में इतना अच्छा जान आता है। यहाँ देखो कितने सारे टाइप के फूल है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के दो है, और दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे है ये। अच्छा लगता है यार फिर भी, लेकिन ये टाइमिंग वाला फूल है ना, दिक्कत ये होता है। अभी हस्बैंड ने उसको धोया, यार मैं धो नहीं पाऊँगी, बहुत भार है मेरा मेरा जो पेट का जो वो है ना, वो सब निकल जाएगा धोते धोते। अरे यार, वेल देखते हैं। यहाँ देखिए, नींबू का पेड़, आम का पेड़, मेरा रोज सारे बच गए, पता नहीं कब लगाऊंगी। अभी काफी धूप है यार, थोड़ा और बारिश होता आज सारा दिन। नाड़े दो बड़े धुआलक व्यवहार, वो धोया, उसको धोने में ना। अभी खाना खा लिया है, चौको रस्ते से मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद चाय और एक एप्पल खाया, फिर मेडिसिन लिया। अब हो रहा है सर में दर्द मेरे। अभी मैं खाना खाऊंगी, दोपहर को फिर खाऊंगी। समझ सकते हो कितने बार खाते हैं हम, और ये रोज़ देखो, ये ना अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। मैं लेके आई थी रेड कलर का, दे दिया पिंक कलर का, कोई बात नहीं चल जाएगा। चलो अंदर यार। गर्मी बस गर्मी। हाय, हाँ ये इंसान ना मतलब बात करता है ना, मतलब कुछ भी बात कर देता है वीडियो में, फिर मेरे को कट करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरे को। वो करो, अरे बेटे तो नड़ो, करो जल्दी करो, फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। नहीं, दिखा के निकलूंगी ना। गुड जॉब, थैंक यू इतना कर देने के लिए। तो यहाँ बन रहा है खट्टा मीठा आमड़ा, और इसमें दो है नींबू का पत्ता। ये मैंने कच्चा लाया था, तब पक गया ये। हाँ तो पका ही नहीं, तो पका ही सही लगता है। इसमें दिया जाएगा, अरे कथों के अंदर जो मिर्च पाउडर और नमक। अभी से मुंह में पानी आने लग गया। बहुत ही खट्टा मीठा होता है ये। ये ना चाकू से काटते होते हैं ना, इसका रस जो है बहुत ही खट्टा है, खट्टा नहीं है मतलब मीठा भी है, खट्टा भी तो है। খুব যদি করো না।
हमें टेस्ट लगता है। विदाउट पटी लाना मजा आता है ये सब खाने में ना। पैरान मैंने पैरा अच्छा पैरा लेबू अच्छा चना है वो बनाना है। अब तो वो तो है ही थोड़ा सा साग। ये क्या है अदरक अभी मुझे सोना है नाइट ड्यूटी। तो यहाँ पे कपड़े भी सुखाने दे दिया कुछ धो दिया था मैंने। और ये वाला फ्लावर्स देखो कितने अच्छे लग रहे ना। और भी कलर के है येलो कलर का भी है इधर है। और मैंने ये मतलब इसका टहनी तोड़ तोड़ के मैंने उधर भी लगा रखा है इधर लगाया। अब ये धीरे धीरे क्या होगा पता है क्या पूरा भर जाएगा। और आज हुआ था बारिश। यहाँ पे हमें बनाना है एक चूल्हा जो ठंड में हम इसी में खाना पकाएंगे आपको रेसिपी दिखाएंगे। और ऊपर बादल है आज बहुत ही अच्छा बारिश हुआ था। और बारिश होते ही सारे बादल भाग गए और फिर से धूप उड़ गया। तो आज मेरा ड्यूटी नाइट है अभी मैं सो जाऊंगा करीब 3-4 घंटे। और मैं पीछे आया हूँ अपना एरिया है। और मैं निक्की को बोलता हूँ कि थोड़ा ऐसे दूर करके वाइड एंगल लेना। वैसे इस कैमरे पे वाइड एंगल है नहीं और वो हमेशा वीडियो ऐसे बनाती है एकदम मुँह के साइड लेके। तो देखो ऐसा ऐसा लेने से और ऐसे लेने से कितना फ़र्क पड़ता है। पूरा बैकग्राउंड में सब कुछ आ जाता है सुनती ही नहीं है मैं क्या करूँ। और आजकल पीछे आने में ना डर लगता है कि साँप बाप ना हो। और ये देखो कितने सारे कद्दू हो रखे हैं जिसको बोलते हैं पेठा। आपको दिखा दूँ तो ये देखो एक पेठा ये है ये और एक ये है और एक तीसरा है ये। 3-4 हो रखे थे। एक तो हमने खा लिया जब छोटा था। और इस बार यहाँ पे लगाएंगे लहसुन क्योंकि पिछले बार ना यहाँ पे प्याज लगाया था तो बहुत ही अच्छा हुआ था। तो मैंने बोला यहीं पे लगाएंगे। जो ताऊजी रहते ताऊजी को बोला कि यहाँ पे साफ़ कर देना यहाँ पे लगाऊंगा लहसुन। तो चलो अंदर चलते हैं देखते हैं निक्की क्या कर रही है। वैसे भी लंच मेरा हमने तो वैसे लंच कर लिया दोबारा करना है थोड़ा सा। इसके बाद तो सो जाना है शाम को उठना है वहीं रूटीन चलेगा। तो चलो अंदर चलते हैं।